आपको बता दूं, जिस तरीके से कुछ महीने पहले नरूरी ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे स्वर्गीय धर्मेश भाई पटेल की हार्ट अटैक आने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 6 फरवरी को जो है ग्राम पंचायत उपचुनाव रखा गया था जिसमें 3 कैंडिडेट वहां के बने थे। आपको बता दूं, आप मेरी तरफ देख सकते हो, पटेल जितेंद्र भाई, प्रमोद भाई जो पहले कैंडिडेट थे, दूसरे कैंडिडेट पटेल किशन भाई, ऋषि भाई, और तीसरी कैंडिडेट जो थी पटेल लीलाबेन धर्मेश भाई, जो स्वर्गीय धर्मेश भाई पटेल की जो धर्म पत्नी थी। उसके बाद 6 तारीख को जो है इसका वोटिंग किया गया। टोटल वोटिंग आप देख सकते हो 12,080 वोटिंग टोटल थे, जिसमें से 5,640 लोगों ने वहां पर वोट दिया, जिसमें पहली कैंडिडेट पटेल जितेंद्र भाई प्रमोद भाई को जो है 245 मतदान यानी 245 वोट मिले हैं, और दूसरे कैंडिडेट पटेल किशन कुमार ऋषि भाई को जो है 836 मतदान मिले हैं। वहीं तीसरी कैंडिडेट जो आपको बता दूं, स्वर्गीय धर्मेश पटेल जो थे उनकी धर्म पत्नी जो है पटेल लीलाबेन धर्मेश भाई को जो है 4,433 वोट मिले हैं, यानी कि आपको बता दूं 3,220 वोटों से जो है लीलाबेन धर्मेश भाई पटेल जो है विजय हुई है। इस उपचुनाव का मेन कारण यही था, धर्मेश भाई का जो है हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके कुछ महीनों बाद जो है इस उपचुनाव रखा गया जिसमें 3 कैंडिडेट मुख्य रूप में जो है शामिल हुए, उसमें से एक लीलाबेन का जो है विजय हो गया। ऐसे में हमारा चैनल भी आशा करता है कि लीलाबेन जो है ग्रामवासियों की जो समस्या है उन पर डटी रहेगी और उनकी समस्या का जो है हल निकालेगी और ऐसे ही निरंतर समाज के लिए और अपने ग्राम के लिए जो है कार्य करते रहेगी। तो आसपास की खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। हम तक कोई भी खबर और विज्ञापन का पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर संपर्क करें। धन्यवाद।